पीएनबी में हुए सबसे बड़े घोटाले को लेकर जिस तरह कांग्रेस पीएम मोदी को घेर रही है, उससे नाराज यूपी से बीजेपी सांसद ने पलटवार किया है। कैसरगंज से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण ने कहा कि राहुल गांधी को घोटालों को लेकर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। घोटालों को लेकर राहुल गांधी अगर चुप रहे तो ही बेहतर होगा, क्योंकि ये सब उनकी सरकार में ही शुरू हुआ। मोदी सरकार तो अब घोटालेबाजों पर शिकंजा कस रही है। उनकी सरकार ने अभी एक घोटाला पकड़ा है, इसके बाद राहुल के बहनोई यानी रॉबर्ट वाड्रा को भी पकड़ा जाएगा। हो सकता है कि सरकार की पकड़ में अब उनकी माँ भी आ जाए, हो सकता है कि वो भी आ जाए, फिर वो चिल्लाएंगे। सांसद ने कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल भी किया। उन्होंने कहा कि जैसे कहावत है कि कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी मस्त चाल में चलता रहता है, उसी तरह प्रधानमंत्री देश की सेवा में लगे हैं, जिसे भौंकना है भौंके। दरअसल पीएनबी घोटाले के सामने आने के बाद से राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर नीरव मोदी की अनदेखी करने का आरोप लगा रहे हैं। NMF न्यूज की रिपोर्ट।